असांजी पंहिंजी डिस्ट्रिक्ट जी बि मीटिंग थियणु खपे पंहिंजी ग्रुप जी में जेके थियूं आहिनि बदिलियूं इजलास घुराए ऐं कंडेम करणु खपे बदिलनि खे। नफीसा शाह सिंध में कारोकारी के ज़ालिमाना रवाज पर काफ़ी लिख चुकी थीं और इसी मौजू पर तहकीक में मसरूफ़ थीं जब उनको अपनी तालीमी सरगर्मियाँ तर्क करके सियासत के मैदान में आना पड़ा। आज वो ज़िला खैरपुर के नाजिम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। औरतों का सियासत में अगर आना है तो लोग उसको उसी शायद परसेप्शन में एक अच्छे लीडर या लीडरशिप क्वालिटी सेम पैरामीटर से मेजर करेंगे। जो डिमांड्स वो मर्द से करेंगे वही वो औरत से भी करेंगे। किसी ने कभी मुझे ये रायत नहीं दी कि आप औरत हैं इसलिए आप घर जाएं या आप ऑफिस में इतनी देर ना बैठें या आप इतनी क्यों मेहनत कर रही हैं या आप इस तरीके से काम करें इस तरीके से ना करें या आप फील्ड वर्क ना करें। कभी भी किसी ने औरत होने के नाते पे मुझे कोई रायत नहीं मिली है। जैसे अब हमारे जलसे होते हैं या दूसरे प्रोग्राम होते हैं तो ये एक ज़रूरी चीज़ होती है कि मैं बाहर अलग प्रोग्राम करूँ और औरतों के यहाँ मैं अलग दूँ टाइम। ये नहीं है कि औरतें बाज़ोका तो ये भी होता है मेरे आने से एटलीस्ट ये फ़र्क हुआ है कि थोड़ा स्पेशल फ़र्क ये आया कि कुछ औरतें जो हैं बाहर निकलती भी हैं और जब औरतें काउंसलर्स चुनकर आई हैं तो वो भी अब बाहर ही उसी स्पेस में हैं जिसमें मैं हूँ। तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी वुमेन काउंसलर्स भी हैं जो इसी मेल स्पेस में मर्दों के स्पेस में इंटरेक्ट कर रही हैं। पहिरियों बि मां तव्हांखे फ़ोन कयो हुयो हुन में रॉन्गली इम्प्लिकेट था कनि त आहे मंगणे जो रियाज़ मंगणे नियाज़ मेरा जो प्रॉब्लम होता है एंड आई फील कि उसमें हो सकता है कि पैट्रियार्की वाला सिस्टम आ जाए वो पुलिस क्योंकि पुलिस के जो अहलकार हैं वो तो माचिज़्मो वाला सिस्टम होता है। तो एक आध दफ़ा लेकिन लास्ट तो मेरे डीपीओ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन से उससे पहले वाले जो डीपीओ थे वो ये उन्होंने बाकायदा कहा भी था कि वो औरत हैं और मैं औरतों का नहीं फॉलो करता। इस किस्म की बातें उन्होंने कहीं भी थी और उनका यही इस किस्म का ही रवैया था कि सुननी नहीं है ज़िला नाज़िम की, मतलब एक वो एटीट्यूड था। लेकिन इसके बावजूद मुझे मैं समझती हूँ औरत मैं ज़्यादा अग्रेसिव होती हूँ। अगर मेल एडमिनिस्ट्रेटर हो तो शायद वो और कूलली अपना हैंडल करे, मुझे ज़्यादा अग्रेसिव बनना पड़ता है बहुत हद से ज़्यादा। और ये शायद इसके लिए कि लोग मुझे औरत समझ के ये ना मुझे अगर सीरियसली ना लें। जैसे मैंने कहा कि पहले भी हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ऑन टो ज़्यादा रहना पड़ता है, वॉच ज़्यादा करनी पड़ती है और अकाउंटेबिलिटी के जो मैकेनिज़म्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मैं एटलीस्ट ये समझूं कि वो बेईमानी वाली चीज़ नहीं बर्दाश्त होती। इस किस्म की जो सारी चीज़ें हैं वो और इसमें मैं ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ। जो इतना शायद मर्द इतना अग्रेसिव ना हो वो इसको एक ईजी तरीके से हैंडल करे तो मैं छोटी छोटी चीज़ का भी बहुत उसको बड़ा बड़ा समझने लगती हूँ। स्पेशली अगर कोई मसला हो गया इवन औरतों के हवाले से मसले हुए या कोई पुलिस में तशद्दुद हुआ तो मैं ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को लेती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको फॉलो अप। खराब बहुत अच्छा है कि वुमेन काउंसलर्स आ गई हैं तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी बन गई हैं। औरतों के भी मसले लेके आती हैं, ज़कात के भी मसले लेके आती हैं, लेकिन सबसे सीरियस मसला यही है कि लड़कियों की तालीम का मसला है। और मेरा ज़्यादातर आप समझें कि बहुत सारे इवन अगर मैं पहले अपनी ज़िंदगी में औरतों के तशद्दुद के ऊपर डायरेक्ट काम करती थी, अभी मेरा सारा फोकस लड़कियों की तालीम या के ऊपर और बाहराड़ी की जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उसकी तालीम के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो मैं समझती हूँ कि तालीम ही है जो औरतों को एक उनको एक कुव्वत देती है फ़ाइट करने के लिए। और ये जैसे आके आपने सुना होगा कि बार बार यही आप सुनते होंगे कि बहुत सारी औरतें काउंसलर्स आ तो गई हैं लेकिन पढ़ी भी नहीं हैं और वो बहुत सारे इजलास में आती भी नहीं हैं या ना नहीं आ सकती या उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। अगर वही औरतें पढ़ी लिखी होती तो उनको सीरियसली भी लिया जाता तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है उनकी ज़्यादा बढ़ती। जैसे हमारे ज़िला काउंसलर में पढ़ी लिखी औरतें हैं और उन्होंने एक साल में ये बात अपनी मनवाई कि उनको अलग बजट जो है वो मिलना चाहिए और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल जो ज़िला काउंसिल में अलग।
तो इसी हवाले से अगर औरतें पढ़ लिख जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा माशरे में तब्दीली होगी और वो फ़ाइट करना सीखेंगी अपने राइट्स के ऊपर उनकी जो है। तो ज़्यादातर मेरा फोकस ज़िले में यही है क्योंकि हमारी शरह तालीम की लड़कियों की बहुत बुरी है। हम टोटली फोकस कर रहे हैं लिटरेसी सेंटर्स भी, जो भी नए इनिशिएटिव्स होते हैं या स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ भी होता है, सब लड़कियों के हवाले है क्योंकि वो बहुत पीछे हैं। औरतों को ये पता है कि वो घर में मेरे आ सकती हैं, मेरे घर के चार दरवाजे हैं, चारों खुले हुए हैं और कभी भी नहीं पूछा जाता कि आप कौन हो, किससे मिलने आए हो, सीधा पहुंच जाती हैं। तो कोई भी छोटे सा छोटा मसला होता है औरतों का घर हो, वो मेरे पास पहुंच जाती हैं। और हत्ता कि ये भी होता है कि बाहर से यही सुनने में आता है जहाँ जाओ कि ये औरतें धमकाती हैं अपने शौहरों को कि अगर आपका ऐसे अगर गड़बड़ की तो मैं ज़िला नाज़िम को जाके शिकायत करूँगी। तो इस किस्म की धमकियाँ जो हैं वो औरतें दे रही हैं मेरे ज़िले में, और मैं समझती हूँ कि दे हैव रीज़न टू, क्योंकि मैं उनकी बात सुनती हूँ और जितना हो सके स्पेशली तशद्दुद के मसाइल जो हैं उनके ऊपर, या अगर ये भी होता है कि फॉर इंस्टेंस एक औरत तलाक चाहती है, बहुत सारी ऐसी केसेस मेरे पास आती हैं, कई जो तलाक चाहती हैं और क्योंकि माहौल ऐसा है कि वो ना कोर्ट जा सकती हैं ना उनका, तो वो थोड़ा बहुत मेरे डर से धमका के उनको उनकी अलहदगी दिलवाना, या फिर ये बहुत सारी औरतें मर्जी से अपने निकाह करती हैं तो उनको पहले ये होता था ट्रेडिशन के उनके ऊपर किडनैपिंग के केसेस रख दिए जाते थे, बेचारी वो लड़की और लड़का दोनों अंदर जेल। हमारे यहाँ इस किस्म का चीज़ बिल्कुल बंद हो गई है। अगर लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से जाता है तो हम पुलिस में डिस्करेज करते हैं कि कोई FIR नहीं लॉन्च करना है और किसी को नहीं बंद करना। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो उनके एज आई सेड स्ट्रेटेजिक राइट्स बेस्ड इश्यूज़ हैं, वो जितना हो सके उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया अभी। वो उसमें भी एज आई सेड कि हम सोच रहे हैं क्राइसिस सेंटर, लेकिन हम लोग सब मौजूद हैं और इसी किस्म की रवायात जो हैं हमारी औरतें काउंसलर्स की भी हैं, कुछ हमारे मसलहत अंजुमन जो हैं फैसला कमेटियाँ उसमें औरतें भी आ गई हैं, वो भी फैसले कर रही हैं। जैसे कुछ काउंसलर्स हैं उनको मैं रेफ़र कर देती हूँ कि वो औरतों के केसेस डायरेक्टली डील करें, या जो सिंपथेटिक नाजिम्स होते हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप औरतों के मसले ऐसे करें कि मतलब उनके साथ नाजायजी ना हो। तो ये जो ट्रेडिशंस हैं कुछ उनमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तब्दीली आए, लेकिन मसले बहुत हैं और मैं समझती हूँ कि अभी भी औरतों के साथ मेरे ज़िले में बहुत तशद्दुद हो रहा है। खुश है इसलिए आपके पास आई थी कि मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर रही हूँ। नहीं ये तो क्यों आप मायूस हो रही हैं? अभी हमारे कोई मसाइल हल ही नहीं होते हैं तो क्या करें? नहीं आप बताएं, कहीं भी जाते हैं कहीं कोई बात मानते नहीं हैं, हम पब्लिक के मसाइल लेकर जाते हैं, कहीं हमारी अहमियत ही नहीं है कुछ होता है। तो ये डेवोल्यूशन प्लान जब बना था तो उसमें इतने सारे ख्वाब दिखाए, जैसे काउंसलर्स को ख्वाब दिखाए हुए होंगे कि आपको पता नहीं क्या मिलेगा, तालका नाजिम ऐसे ज़िला नाजिम को भी ये थे कि भाई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पर आप काबू होंगे तो इस किस्म की अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपको पता है आवाम हैं हमारे पास आते हैं रोज़, कितनी हमारी यूसी के खासकर लेडीज़ आती हैं मसाइल लेकर, हम उनको कहते हैं कि हाँ भाई आपका मसाला हम हल करेंगे, जाते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं, तो क्या करें? आप मुझे शिकायत लेके आएँ तो मैं ज़रूर उन ऑफिसर से पूछूंगी, मुझे स्पेसिफिकली बताएं किस ऑफिसर ने किस औरत की कभी बात नहीं मानी, तो मैं अभी उनको फ़ोन करके अभी। आप यकीन करें मेरा तो इतना दिल उकता गया इस काउंसलरशिप से कि मैं आपको पता है मसाइल हल नहीं होते थे, मैंने इसीलिए काउंसलर बनी कि भी कुछ चले अपने मोहल्ले के, मैंने मसाइल इस कदर देखे कि कोई और औरत आगे नहीं आ रही थी, मैं आगे आई कि चलो कुछ हमारे मोहल्ले में कुछ तरक्की हो, मेरी वजह से ही हो, लेकिन जब नहीं होता तो दिल बर्दाश्त हो जाता है। बिल्कुल होंगे, देखिए सिस्टम नया है, इसको बहुत सारे ऑफिसर्स ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे, हमारा भी जैसे जैसे बढ़ेगा उनसे रब्ता और हमें पहचानेंगे वे तो ज़रूर हमारे मसले हल करेंगे। अभी आपने देखा होगा अभी एक ट्रेडिशन है कि वो हमें एक्सेप्ट, और औरतों को अभी उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि कभी उन्होंने औरतें देखी नहीं थी कि उनके ऑफिसेज में आके आवाम के काम कराएं, तो औरतों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन आज से और आप जैसी पढ़ी लिखी औरतें तो ज़्यादा उनको मना सकेंगी बनिस्बत वो औरत जो देहात की है पढ़ी लिखी नहीं है। तो आप इतना जल्दी मायूस ना हो, और क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है तो मैं अभी आपको रिज़ाइन करने नहीं दे रही, हिम्मत दिला रही हूं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऑफिसर्स जो हैं आया दिन हमसे पूछे बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट तबादले कर लेती हैं अच्छे ऑफिसर्स के, और जो लोग हम चाहते हैं कि वो निकलें ज़िले से
वो बैठे हुए और जो अच्छे बेहतरीन ऑफिसर्स थे वो बीच काम को तबाह करके चले गए. तो ये सारे गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं, जब तक हमारे नहीं रिजॉल्व होंगे या हम लोग पुख्ता नहीं होंगे तो हम लोगों को क्या दे सकेंगे. तो ये जो अमल है, आपने मायूसी देखी होगी काउंसलर्स में, तो इस किस्म की मायूसी जो है इस वक्त फ़िलहाल मैं खुद एज ज़िला नाज़िम मैं समझती हूँ. हालांकि मैं इधर बैठ के फ़ाइट करूँगी और आम लोगों के मसले हल करूँगी, लेकिन हम लोग आइडियल सिचुएशन नहीं लेके आ सकते, ना ही हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बाजू हैं वो ब्यूरोक्रेसी है, और अगर ब्यूरोक्रेसी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे गवर्नेंस करेंगे और लोगों को क्या रिलीफ पहुंचा सकेंगे. ऑलरेडी अगर जैसे आप देखें कि औरतें काउंसलर्स जिस किस्म की आवाज़ उठा रही हैं, ये बहुत पॉजिटिव है. वो अग्रेसिवली आके कह रही हैं कि हमें जो आप सिस्टम में लाए तो हमारे लिए आप क्या करेंगे, और मुझे भी ये कहती हैं, और शायद मैं भी इतना ना उनको कुछ दे सकूँ एज डिस्ट्रिक्ट नाज़िम. अगर मेरे पास होगा तो मैं उनके हवाले करूँगी, नहीं होगा तो कहाँ से, लेकिन मैं इनक्रेज करूँगी जितना मेरे पास होगा मैं औरतों काउंसलर्स को. अगर मेरे पास ऐसे भी बजट आए तो मैं मखसूस भी ज़िला काउंसिल पर तो मखसूस हम लोग करेंगे. तो औरतें काउंसलर्स जिस किस्म का उन्होंने स्टैंड लिया है उसी को आप आगे आएँ, सस्टेन करें, इंशाल्लाह आपको अपने आपके हुकूक मिलेंगे. और आप, मैं समझती हूँ जैसे औरतें फ़ाइट करती हैं, मेरे ज़िले में तो औरतें बहुत एक्टिव हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ती जब तक उनका मसला नहीं हल होता, और ये बहुत एक पॉजिटिव एक चीज़ है. और मैं समझती हूँ कि बहुत स्ट्रांग है. अगर हम देखें कि औरतें, वो जो वीक वाला कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल नहीं, औरतें टफ हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ इतनी टफ हैं तो उनको टफ होना पड़ता है. अचे तो पर हाणे पोइ मूंखे तव्हां करे पोइ मूंखे कंप्लायंस ॿुधाईंदो या न ॿुधाईंदो, इहो ॿुधायो मूंखे. इस सिस्टम में बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि लोग सुनने वाले भी हैं, तो दोनों चीज़ें हुई हैं. तो औरतों के मसाइल सुने भी जा रहे हैं लेकिन औरतें बोल भी रही हैं एक्टिवली, और उनको वो आवाज़ मिली है. और ये आवाज़ मैं नहीं समझती कोई उनसे वापस ले सकता है. ये आगे ही बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी. हम दिन अखबार में सुन रहे हैं जो औरतें चुनकर आई हैं उनके मसाइल. और अगर ये सिस्टम ना भी रहा तभी भी ये औरतें, क्योंकि ये एक्टिविस्ट एक दफ़ा बन गई हैं तो ये मुख्तलिफ सूरतों में इन्वॉल्व रहेंगी इन्हीं इदारों से. तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छा है कि ये एक्टिविस्ट बन के आई हैं, और एम्पावरमेंट ना सिर्फ उनको मिलेगी लेकिन औरतें जिन्होंने उनको वोट दिए हैं उनको भी एक एक्सेस मिलेगी.